हे जरा एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड ज़्यादातर टॉपिक जो होते हैं हमारे चैनल पे मिल जाते हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ हाइपरटेंशन के बारे में, और एज़ यूजुअल ये वीडियो भी चार पार्ट में डिवाइडेड होगा, साइन एंड सिम्टम, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन अब हम स्टार्ट करते हैं, तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास एक बैलून है, ठीक है, उस बैलून को आप आधे हवा से भर दीजिए, आधा हवा से भरिए और आधा खाली रखिए, मतलब बैलून को फुल साइज में नहीं फुलाना है, आधे साइज में उसे फुलाइए, ठीक है। अब एक तरफ जो है उस बैलून का कोई एक एंड जो है, उस एंड को आप जब प्रेस करेंगे तो दूसरे एंड पे आपको देखने को मिलेगा कि जो उस बैलून के अंदर की एयर थी उसने बैलून को दूसरे तरफ ज़्यादा फुला दिया, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, जो हमारा एयर है उस वॉल पे, बैलून के वॉल पे वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जिसके वजह से जो हमारा वॉल है बैलून का वो एक्सपेंड कर रहा है। तो वही चीज़ अब आपको यहाँ पर समझा जा रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, हाइपरटेंशन में भी डिफाइंड एज अ कॉमन मेडिकल कंडीशन, ये एक तरह का ऐसा कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो कि जिसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड होती है, जो हमारे आर्टरीज में फ्लो होती रहती है, वो ब्लड ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने लगती है आर्टरीज के वॉल पे, ठीक है। वो ब्लड ब्लड का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो ब्लड जो होता है वो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करती है आर्टरीज पे, वही बताया गया। अब तीसरा पॉइंट कहता है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टेमिक आर्टरी, मतलब जो हमारी अंदर आर्टरीज होती हैं उनके अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है उसके नॉर्मल प्रेशर से। एक नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड का, हमारी जो आर्टरी है आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, और ये आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका एक प्रेशर है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट या प्रेशर है यहाँ पे 120 mmHg और 80 mmHg डायस्टोलिक होता है, ठीक है, 120-80 mmHg जो होता है ये हमारा ब्लड प्रेशर का नॉर्मल यूनिट है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये हाइपरटेंशन होता है तो ये नॉर्मल यूनिट, जो नॉर्मल प्रेशर था, ये बढ़ जाता है 120 से अबव एंड 80 से अबव हो जाता है हमारा ब्लड का प्रेशर। तो वही बताया गया, इन अदर वर्ड हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीजेस बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, दैट इज 120 mmHg सिस्टोलिक एंड द अदर इज 80 mmHg दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है, हाई ब्लड प्रेशर जनरली डेवलप्स ओवर मेनी ईयर, मतलब ये कई सालों में हाइपरटेंशन जो होता है ग्रेजुअली डेवलप करता रहता है, ग्रेजुअली का मतलब स्लोली स्लोली ये डेवलप करता है, एंड इट अफेक्ट्स नियरली एवरी वन, और बहुत मतलब जितने लोग हैं लगभग कई लोगों को हाइपरटेंशन होता है। जो लोग जिम करते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, डाइट मतलब बैलेंस डाइट जो रखते हैं, उनको तो नहीं उतना हाइपरटेंशन का खतरा होता है, मगर बाकी लोग लगभग जितने हैं उनको हाइपरटेंशन का खतरा होता है और हाइपरटेंशन होता भी है। हाउएवर इट कैन बी डिटेक्टेड इजिली, और इसे हम आसानी से, हाई ब्लड प्रेशर है किसी को इसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं, जो हम क्या करते हैं, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है, यस साइलेंट, फाइग्मोमैनोमीटर। ये जो होता है एक तरह का ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं या मापते हैं, ठीक है। वही बताया, हाई ब्लड प्रेशर जनरली डेवलप्स ओवर मेनी ईयर एंड इट अफेक्ट्स नियरली एवरीवन, हाउएवर इट कैन बी डिटेक्टेड इजली बाय द यूज ऑफ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज फाइग्मोमैनोमीटर। तो आइए अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के टाइप्स की। हाइपरटेंशन जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताया जा रहा है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये मोर कॉमन होता है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन लेस कॉमन होता है, ये कम देखने को मिलता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन कई साल लगते हैं इसको डेवलप होने में, ठीक है, और ये जनरली 40 साल की उम्र के बाद ही होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये कहा गया ग्रेजुअल ऑनसेट, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, जबकि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये ड्रामेटिकली एकाएक से आ जाता है, जिसको कहा गया ड्रामेटिक इन ऑनसेट। फिर जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये प्री मैच्योर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज करता है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है ये एंडोक्राइन ट्यूमर कॉज करता है।
साइन और सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। पहला पॉइंट कहता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट दैट आर सफरिंग फ्रॉम द ब्लड प्रेशर हैव नो साइन और सिम्टम इवन इफ द रीडिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लेवल। मतलब जो एक नॉर्मल प्रेशर है 120 mmHg सिस्टोलिक एंड 80 mmHg डायस्टोलिक, ये हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड का। इस प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर है इसके ऊपर भी अगर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है तब पर भी कई लोगों में हमको साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा ये किताब से बताया जा रहा है, ठीक है। मगर अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जाए तो एक्चुअली होता क्या है कि कई बार कुछ लोगों को चक्कर आते हैं हाइपरटेंशन में, ठीक है, चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, आदमी बात बात पर गुस्सा करता है, ठीक है। ये तो बात हो गई, यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया मैंने इसको, मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया। अब सेकेंड पॉइंट है, अ फ्यू पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर मे हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। मतलब कुछ लोगों में ये फॉलोइंग सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं हाइपरटेंशन के दौरान। एक पर्सन जिसको हाइपरटेंशन है उसके अंदर कभी कभार कुछ लोगों में ये फॉलोइंग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला, हेडेक, चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन, इररेगुलर हार्ट बीट, विजन चेंजेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और नोज ब्लीडिंग। ठीक है, ये जो सांस लेने में कमी आती है या जो नाक से खून निकलता है ये जनरली एकदम अंतिम स्टेज पे होता है, जब बहुत ही ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस केस में ये देखने को मिल सकता है। बाकी जो आपका सिर दर्द है, सीने में दर्द है, आदमी जो कंफ्यूज रहता है या फिर हमारा हार्ट बीट जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है, आँखों में मतलब जो देखते हैं हम उसमें मतलब देखने में प्रॉब्लम जो आती है, ये सब की सब जो बात हो रही हैं ये आपका सिम्टम है।